नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दमोह पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी के निर्देशन में एवं उनकी अध्यक्षता में पुलिस जनसंवाद का कार्यक्रम सिटी कोतवाली में रखा गया, जिसमें एडिशनल एसपी सीएसपी टीआई कोतवाली जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, नरेंद्र बजाज, रमन खत्री, सतीश तिवारी, अमजद डायमंड उस्ताद के अलावा और भी शहर के गणमान्य जन विशेष रूप से मौजूद रहे। गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि, इनके साथ बैठ के व्यापारी संघ और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके आसपास सुरक्षा के लेके कोई समस्याएं हैं या ट्रैफिक को लेके कोई समस्या, इस तरह के ज्वलंत विषय पे खुली चर्चा की गई। एक सीधा संवाद स्थापित किया गया और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि आज का ये संवाद कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छे सुझाव पब्लिक की ओर से प्राप्त हुए हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले समय में इन सुझावों को मान्यता देते हुए हम कुछ इसमें सुधार परिलक्षित कर पाएंगे। ये पब्लिक है, पब्लिक की प्रॉब्लम पब्लिक ही सबसे अच्छे से जानती है और उसको कैसे दूर किया जाए वो भी उनके पास काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन थे, तो वो सुझाव जो हम तक आए हैं तो अब इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा काम है। तो हम लोग बैठ के अब जो जो भी इसमें संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे नगर पालिका होगी, व्यापारी संघ होंगे, ठेला संघ है, सब्जी वालों के यूनियन है, ऑटो वालों की यूनियन है, इन सभी लोगों से चर्चा करके हम लोग एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जा सके और सुरक्षा का माहौल और भी अच्छा हो। दमोह से खबर समय जगत के लिए देवेश खरे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.